अलजेब्रा से रिलेटेड हो, यानी गुणनखंड विधि से गुणनखंड टॉपिक आता है जिसमें कि बैंक पीओ और कलर 5 नंबर का पूछता है। कोई भी टॉपिक आप पलट करके देख लो, बैंक कलर का या पीओ का शायद हो सकता है आपने पढ़ा होगा। ये 5 क्वेश्चन जो है ना आपको मोहर मार के पूछता है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन के लिए कल हम क्या बताए थे आप लोग को, बेसिक बताए थे, शुद्ध बेसिक क्या होता है, कैसे निकालना फैक्टर को, वो हम बताए, ठीक है। और आज की क्लास में हम आपको सॉलिड ट्रिक्स बताएंगे कि आपको सिर्फ 2 मिनट में बैंक पीओ में 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 मिनट हमको लगता भी नहीं लगेगा, अगर थोड़ा सा अगर आप में स्पीड आ जाए ना, हम गारंटी देते हैं कि 1 मिनट में आपका 5 क्वेश्चन बनेगा। बैंक पीओ कलर को छोड़ दो, पीओ की हम बात कर रहे हैं, ऐसा सॉलिड ट्रिक्स लेके आए हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए इसमें क्या करता है, निम्नलिखित में 2 समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं, आप दोनों समीकरण को हल कीजिए एवं उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको इसके लिए 5 आंसर देना है। 5 आंसर क्या देना है, पहला आंसर कहता है कि 1 तब दीजिए जब x लेस देन इक्वल टू क्या हो, y। जब ये आंसर अलग अलग आपको यही 5 ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये 5ों ऑप्शन जो है ना अल्टरनेट कभी जो है ना पहला चौथा में चल जाएगा, चौथा पहला में चल जाएगा, सेकंड थर्ड में चल जाएगा, थर्ड जो है फर्स्ट में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चंस के लिए कहता है 32 से 36 नंबर के लिए क्वेश्चंस के लिए कहता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है तो लिख दीजिए। दूसरा कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है वाई दीजिए। तीसरा कहता है एक्स और वाई के बीच में अगर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी x और y के बीच में कोई भी रिलेशन को दिखाया नहीं जा सकता है, तो आंसर क्या देना अपने को, 3। और x less than y है, यानी x छोटा है किससे, y से, तो आंसर देना है 4। और x बड़ा है किससे, y से, तो आंसर क्या देना है, 5। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चंस आ गया कि पहला देखो, पहला आपका क्या आ रहा है कि x square equal to 144, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 44। ये तो बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर आप स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर रूट होता है अपने को कितना होता है बताओ, 12 होता है। लेकिन जब वर्गमूल निकालते हैं तो आप इस बात को नोट कर लेना, इसका या तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में होता है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ प्लस में ही आंसर लेते थे, लेकिन जब इसको फैक्टर में, यानी कि जब इसका ओरिजिनल आंसर फाइंड आउट करोगे, तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो वो आंसर प्लस में भी होता है और माइनस में होता है। चूंकि हम लोग मैथ में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मैथ में माइनस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि माइनस वाला नंबर होता नहीं है, ठीक है, प्लस वाला आंसर लेकर चलते हैं। लेकिन जब रिलेशन को स्थापित करना है, क्या स्थापित करना है, रिलेशन को, तो हम बोथ प्लस और माइनस का सिंबल लेके चलते हैं, मतलब पहला इक्वेशन मेरा सही। अब दूसरा इक्वेशन देखो, उसके बाद हम फैक्टर करेंगे। दूसरा कहता है कि y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 बराबर क्या है, 0। पहले 1 मिनट हम बेसिक कर लेते हैं, जो बच्चा कल नहीं आया था उनको भी सही हो जाए, उसके बाद हम फैक्टर करेंगे। देखो जब भी इसको तोड़ोगे तो y के पहले, देखो जब भी गुणनखंड का इक्वेशन होता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये x, ये a कोफिशिएंट है, ये x का b कोफिशिएंट है, ये c कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर y स्क्वायर के पीछे ना कुछ है तो 1 दे दो, अगर कोई नंबर है तो बहुत अच्छा। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले 144 गुना 1 कर देना है, क्या करना है, 144 गुना 1 कर देना है। किसको गुना करना है, 144 गुना 1 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 144 हो जाएगा। 144 गुना 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो 144, अब क्या करना है, इस 24 को y के कोफिशिएंट को ऐसे फैक्टर करना है कि गुना करके 144 हो जाए और प्लस माइनस करके कितना हो जाए, 24 हो जाए। तो अब बताओ कैसा फैक्टर करोगे, माइनस 12 और माइनस 12, तो 12 गुना 12 करोगे तो 144 हो जाता है, और 12 प्लस 12 करेंगे भी तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई लफड़ा अपने को नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y
स्क्वायर माइनस 12y माइनस 12y प्लस 144 इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी आपका क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इसमें कॉमन कितना आ रहा है? y, तो y माइनस 12 हो जाएगा। और इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 12 की कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 12 हो जाएगा बराबर जीरो। अब देखो इस इक्वेशन में भी y माइनस 12 है और इस इक्वेशन में भी क्या है? y माइनस 12 है। इसका मतलब है कि y माइनस अगर 12 हम कॉमन ले लेते हैं तो अपने को बचता कितना है? फिर y माइनस कितना होता है? 12 बराबर क्या हो गया? ठीक है, अब बताओ y माइनस 12 बराबर जीरो, देखो y तो प्लस हो जाएगा, ये भी 12 और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? 12। यानी y का मान 2 आ गया। पहला अब देखो, यहाँ पे हमको प्लस 12 था और माइनस 12 था। अगर प्लस 12 करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर y हो जाएगा, और दूसरा अगर ये प्लस 12 ये माइनस 12 में टकराएंगे तो हमको क्या होगा? y बराबर हो जाएगा किससे? x से। एक प्लस 12 एक प्लस 12 में रिलेशन बताएं तो बराबर हो गया। दूसरा माइनस 12 है प्लस 12 है, इसका मतलब प्लस वाला नंबर ज्यादा होगा, माइनस वाला नंबर कम होगा, तो y बड़ा होगा x से। तो अपने को पता चल रहा है कि y बड़ा भी है x से, y बराबर भी x से, इसलिए हम कह सकते हैं कि y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। और इस तरह से y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या जाएगा? एक नंबर का जाएगा। क्या जाएगा इसके लिए आंसर? एक नंबर। यानी अपने रिजल्ट में क्या, अपने ऑप्शन में एग्जामिनेशन में एक नंबर क्लिक करके छोड़ जाना। सर हाँ, बार से नीचे वो जो निकाले आंसर, हाँ देखो y का वैल्यू निकाले उसको, हाँ क्या किया तो y का वैल्यू निकाले ना 12, हाँ कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखो x का मान था प्लस 12 माइनस 12 और x y के वैल्यू में कंपेयर करना है तभी तो जाकर के मेरा रिलेशन स्थापित होगा, x और y के बीच में रिलेशन को स्थापित करना है। कैसे करना है? तो अब ये देखो कि x का वैल्यू एक 12 है और y का भी वैल्यू एक 12 है, कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू y कह सकते हैं। और दूसरा अगर मैं लेता हूँ कि x की वैल्यू माइनस 12 होता है और y की वैल्यू प्लस 12 होता है, अब बताओ माइनस 12 बड़ा है कि प्लस 12 बड़ा? प्लस 12 है, इसका मतलब y बड़ा भी है और y बराबर भी है, इसलिए हम कह सकते हैं ना y ग्रेटर देन इक्वल टू x संबंध स्थापित होता है। और जब y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो रहा है, इसके लिए आपका कौन पांच में से कौन आंसर होगा? देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू x के लिए मेरा आंसर कौन सा फाइंड आउट है? एक है, ये आपका शुद्ध बेसिक है, इसको कॉपी कर लीजिए जिस बच्चे का कल क्लास छूटा हुआ था, क्योंकि आज जो ट्रिक्स बताने वाले ना वो गर्दा बताने। तो सबसे पहला ये वाला तो हमको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ये वाला पता है ना? पता है स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 12 होगा। ये तो क्लियर है कि पहला आंसर मेरा प्लस माइनस 12। अब मेरा इसका फंडा करना टू के लिए y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 बराबर 2 मिनट हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यही 2 मिनट आपके लिए ये वरदान हो जाएगा। और आप लोग अलजेब्रा में भी पढ़ते हो कभी कभी फैक्टर करने के लिए कहीं भी आता है, नंबर नंबर सिस्टम में भी फैक्टर आ जाता है कभी कभी, हर एक जगह फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है, उस समय देखना कैसे फैक्टर करोगे। देखो ये जो है ना इसको इसको बी मान लो, ये बी है, क्या है? बी है, क्योंकि जब आप इसको द्विघात समीकरण बनाते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो लिखते हो ना, ये अपना क्या है? बी है, ये अपना क्या है? बी है। ये जो है ना, अब देखो ये ट्रिक्स क्या है कि बी जो है, बी समझ में क्या है? क्या जो वाई का कोफिशियंट होता वो बी कहलाएगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? b, या x का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? b कहलाएगा, या तो y होगा x होगा कोई ना कोई वेरिएबल होगा ना, तो वही b कहलाता है। अब देखिए ये जो b है या तो ये प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, ये जो b है
या तो इसका वैल्यू यहाँ प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, दूरी कौन हो सकता है टू। अगर आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो तो क्या हो सकता है, या तो यहाँ प्लस हो सकता है या तो और तो कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अगर आपका ये प्लस है पहला, अगर बी प्लस है तो बी को भी चेंज करना है और सी के सिंबल को भी चेंज करना है आंसर के लिए। अगर बी प्लस है तो यानी कि बी का भी सिंबल चेंज होगा और सी का सिंबल चेंज होकर के आंसर आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। अगर बी आपका माइनस है, अगर बी आपका माइनस है तो केवल बी का सिंबल चेंज होगा, ये याद रखना सिंबल चेंज होगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं, अब बताओ बी प्लस है कि माइनस है, माइनस है ना, केवल इसका सिंबल माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये तो प्लस है तो प्लस है। अगर ये माइनस है ये तो चेंज होगा ही, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां अगर प्लस है तो प्लस रह जाएगा, माइनस है तो माइनस रह जाएगा। सब कुछ अब देखो आगे देखना, अब ये देखो अगर यहाँ पर कुछ है तो ठीक है, नहीं है एक एक तो है ही। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए कितना हो गया 144। कोई दिक्कत? अब 144 यानी 24 को ऐसा फैक्टर करना है, देखो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस हो करके 24 हो, बढ़िया देखना 124 को ऐसा फैक्टर करना, वही सारा कॉन्सेप्ट हो रहा। देखिए खाली हमको दो कुछ चीज करना है, सिंबल को बदलना है। अगर ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर ये प्लस हो गया ये भी माइनस, और ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज, समझ में। अब इसको और इसको गुना करके 144 हो गया, पहले भी करते थे अभी भी करना। अब इसको तोड़ना है तो गुना करके 144 और प्लस माइनस करके 24, लेकिन प्लस करना है कि माइनस करना है ये कंसेप्ट आप इसको देखना है, इस सिंबल को देखना है। किस सिंबल को देखोगे? इसको। अगर यहाँ प्लस है इसको प्लस करके 24 बनाना है, अगर यहाँ माइनस है तो इसको माइनस करके 24 बनाना है। तो बताओ यहाँ प्लस है तो प्लस करके, तो आप देखो 12 × 12 करोगे तो 24, 12 × 12 करोगे तो 144, और 12 + 12 करोगे तो 24 भी हो जाता है, हो जाता है ना। तो पहला जो है बड़ा वाला वैल्यू लिखना है, दूसरा में छोटा, वैसे यहाँ दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो गया +12 और क्या हो जाएगा +12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये माइनस है, क्या है माइनस है ना, जब माइनस था तो माइनस था, ये 24 हो गया और ये कितना हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है, यानी ये +12, ये +12, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी वाई का वैल्यू +12 और +12 के डायरेक्ट निकल गया। एक और एग्जांपल करवाएंगे आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि आप दोहरा करके इसको समझ सकते हैं। अब इसको समझना है क्या, अब y का वैल्यू मेरा क्या है बाबू, ये x का मान है, ठीक है x का, y का वैल्यू क्या है, और y का मान है, ठीक है, और x का मान कितना है आपका, अब बताओ प्लस लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है, माइनस लेते हैं तो y ही बड़ा हो जाता है, तो हम कह सकते हैं y बड़ा या बराबर किससे है, x से है, अपना आंसर क्या हो गया 1। कोई दिक्कत? इसको नोट करो, ठीक है, अगर नोट कर सकते नोट करो, नहीं तो पिक्चर ले। अगर साथ क्या है 2x² - 9x + 10 = 0 है ना, है ना, ये आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे पहले जो है ना आपको एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, x² - 7x + 7x -12 = -1 करके देखो,
सात को ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ प्लस है तो प्लस करके सात हो, तो क्या करोगे चार या अचल? अचल पहले सिंबल आंसर के लिए, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, कितना मजाक बोला। अब बताओ चार तीन सात, चार दिया बारह, चार तीन सात, चार दिया बारह, पहले प्लस बाद में माइनस, यही मेरा आंसर। अच्छा लग रहा है, वो भी आ रहा, वो भी अभी उन्हें ले रहे हैं, हम तो एक एक चीज को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए पहला हम वो भी क्वेश्चन ले रहे हैं, सारा क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट नया सीख रहे हैं तो पहले नए तरीके से आपको समझना पड़ेगा, जब नया सीख रहे हैं तो नए तरीके सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। अब बताइए सबसे पहला आपको ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्योंकि माइनस में किसका बदलेगा, माइनस में सिर्फ बी बदलेगा, कौन बदलेगा, सिर्फ बी चेंज होगा, क्या सी चेंज होगा नहीं। अब देखो दस गुना दो कर लोगे प्यार से तो लोग बीस होता है, क्या होता है बीस होता है। अब नौ को ऐसा तोड़ो यहाँ प्लस है तो प्लस करके बीस हो, और यहाँ माइनस हो तो माइनस करके, सॉरी ये नौ को ऐसा तोड़ना है कि गुना करके तो बीस से हो लेकिन प्लस करके नौ हो, या अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके नौ, माइनस है तो माइनस करके नौ, तो पांच चार नौ और पांच चौके बीस, पहले बड़का लिखो बाद में छक्का लिखो, यही मेरा अभी नाम नाम रहा। अब देखो यहाँ दो है ना, यहाँ दो है ना, तो दो से इसमें भी भाग दे देना है, दो से इसमें भी भाग दे देना है। अगर पहले x था, x से भाग देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ दो है इसमें भी दो से भाग देंगे, इसमें भी दो से भाग देंगे, ये मेरा प्यार संसर हो गया ढाई, और ये हो गया मेरा तो। अच्छे से सीखो है ना, बहुत हम अलग तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ टू वाई स्क्वायर माइनस तेरह वाई और कितना प्लस बीस बराबर कितना है। अब देखो बाबू 20 गुना 2 कर लोगे तो क्या हो गया अपना 40, पहले आंसर के ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस। अब बताओ यहाँ प्लस है तो प्लस करना है, 8 5 13 8 5 है पहला बड़का बाद में छोटा। अब देखिए दोनों ये भी प्लस है, दोनों ये भी प्लस है, तो दोनों से हर हाल में ये बड़ा ही है। हाँ हाँ अरे ससुरा रे ये दो है तो दो से डिवाइड करना, ये 2.5 हो गया और ये प्लस 4 हो गया। अब देखिए 2.5 दोनों बराबर भी हो रहे हैं और दो से बड़ा भी 4 हो रहा है, तो अपने को कहना है कि y बड़ा या बराबर किससे होगा, x से होगा, और भाई जब y बड़ा या बराबर x है तो अपना आंसर क्या चल जाएगा, बोलो सही है पहला है, हम नहीं बनाएंगे तुम्ही लोग को बनाना है, 2x² प्लस 15x प्लस 27 बराबर 0, और अपना दूसरा है 2y² प्लस 7y प्लस 6 बराबर 0, और ये बताना है कि आपको कौन सा आंसर आपका एलिजिबल होगा, विच आंसर इज राइट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। देखो इसको प्रैक्टिस करने के देखो सेवन वाई लिखा सेवन वाई, ये जो है ना प्रैक्टिस करने का चीज है, बैंकिंग में आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, ऐसा कंसेप्ट तैयार होगा तो हम आप लोग के लिए देखो ना ऑनलाइन यहाँ पर सेट करवाएंगे है ना, खाली बैंक का बच्चा 10 बच्चा का जो बैच बन जाए ना, फिर देखना हम अपने दम पे आपको
रिजल्ट निकलवाते हैं, और जिस दिन 10 को रिजल्ट निकलवा देंगे ना मधेपुरा में फिर से, है ना, फिर से फिर बैंकिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा अगर आइए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बहुत सारा हमको खुद बता रहे थे, 15 के बाद हम खुद बैंकिंग का बैच स्टार्ट किए, 15 के बाद स्पेशल बैंकिंग हम खुद नहीं चलाए हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बात माइंड में सेटअप कर लिए, 5 को बच्चा होगा लेकिन बैच चलाएंगे, उसी में बच्चा इंक्वायरी होते रहता है तो अपना आते रहेगा, ठीक है। और दोबारा तुम लोग को भी बैच स्टार्ट करेंगे, जैसे खत्म हो जाएगा दोबारा भी आपको प्रैक्टिस करना, उसके लिए कोई चार्ज भी मत कुछ नहीं लेगा, ठीक है। अब देखिए बाबू 27 पर देना है, लेकिन उनसे पहले अगर ये प्लस है ये भी चेंज होगा और इस प्लस है ये भी चेंज, ठीक है, सबसे सिंपल सा है। अब 27 54 है, यहाँ प्लस है तो प्लस करके आपको 15 पुराना है, 9 6 54 9 6 15 तो पहला घर का बाद में, इतना क्विकली आंसर हो रहा है। माइंड को एक्टिव कर लो, उनको कैसे समीकरण सॉल्व करना है, है ना। अब देखो पहले यहाँ प्लस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 3 हो गया, माइनस 3 हो गया और ये माइनस 4.5 हो गया, ये पहला वाला से भागा भी दे देना, ठीक है। अब देखो ये प्लस है तो माइनस माइनस हो गया, 6 × 12 यहाँ प्लस है तो प्लस करो, 4 × 12 = 4, 3 = 7 और ये 2 है इसमें भी 2 दे दो, इस चीज को नहीं भूलना, माइनस 1.5 होगा और माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो किसी से लोगे तो अगर सारे चार, देखो माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। अब देखो माइनस 1.5 लोगे तो दोनों से बड़ा है, और माइनस 2 लोगे फिर भी ये दोनों से बड़ा है, तो हर हमेशा वाई बड़ा होगा किस से, एक्स से, वाई बड़ा होगा एक्स से, राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, चलो देखो